Hi guys, welcome back to my channel and you're watching me on AQ Legal Hub. So now I'm going to discuss regarding a legal maxim that is injurious sine damno with the landmark case law. So without any further ado, let's get started. Firstly, hum injurious sine damno ka meaning dekhte hai. Injuria means legal injury, yani ke kanuni adhikar ka ulangan. Sign means without and damno means damage, yani ke nuksan. सो इंजूरिया साइन डैमनो मीन्स लीगल इंजूरी विदाउट डैमेज यानी कि कानूनी अधिकार का उल्लंघन बिना कोई नुकसान के. अगर किसी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो वो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता है भले ही उसे कोई डैमेज नहीं हुआ हो यानी कि उसके हेल्थ इनकम को डैमेज नहीं हुआ हो लेकिन उसका अगर लीगल राइट वायलेट हुआ है यानी कि कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सू कर सकता है एंड इट इज एक्शनेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो इसी के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस लॉ है एशबी वर्सेस वाइट. तो इस केस में हुआ ये कि एशबे जो एक क्वालिफाइड वोटर थे वो वोट डालने जा रहे थे लेकिन मिस्टर वाइट जो एक ऑफिसर थे उन्होंने एशबे को वोट डालने से रोक दिया. लेकिन एशबे जिस कैंडिडेट को वोट डालना चाहते थे वही कैंडिडेट ने इलेक्शंस जीता तो यहाँ पर एशबे का लीगल राइट वॉयलेट हुआ है. एशबे ने मिस्टर वाइट को सू किया कि उन्हें वोट डालने से रोका गया है और कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि मिस्टर वाइट इज हेल्ड लायबल क्योंकि उन्होंने एशबे यानी कि प्लेंटिफ के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया है और उन्हें वोट डालने से रोका है. तो ये था इंजूरिया साइन डैमनो विद द लैंडमार्क केस लॉ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.